मेरी प्यारी बच्ची, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बच्ची, आज तुम्हें मेरी मंदिर आना है और तुम जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हें आज उसका उत्तर मिल जाएगा। और आज मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बच्ची, तुम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो ना, लेकिन कभी कभी आलस्य के कारण तुम धीमी गति से आगे बढ़ते हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो और फुर्ती से अपने काम करते जाओ। तुम जानते हो बच्ची कि तुम्हें क्या क्या करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु धीमी गति होने के कारण तुम्हें सफलता प्राप्त होने में देर लग रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें यो मार्गदर्शन देने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही सफलता प्राप्त होगी, यह मेरा आश्वासन है तुम्हें। बस तुम अपने कार्य यूं ही लगातार करती रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का मैं हमेशा साथ देता हूँ। और चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी परेशानी क्यों न आ जाए, जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है तो फिर तुम क्यों डरते हो। मैं हमेशा तुम्हें सारी परेशानियों का सामना करने की हिम्मत देता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने इन कष्टों को कम करना चाहते हो तो फिर अपने कर्मों को इतना बेहतर बनाते जाओ कि तुम्हारे कर्म करते चले जाएंगे और तुम सुख के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरे बच्चे, पुराने कर्म ही हैं जिनकी वजह से तुम्हें आज कष्ट हो रहा है। इसलिए बच्चे, भूखे को अन्नदान करो। जिन बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, उनको विद्या दान करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरे और भी आशीर्वाद मिलते रहेंगे और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें मुझसे यह संदेश मिलता है ना कि तुम्हें अन्न दान करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर तुम सोच में पड़ जाते हो कि बाबा, मेरे पास खुद इतना नहीं है कि मैं दूसरों को दे पाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँ। तो बच्चे, अपनी काबिलियत के हिसाब से अन्न दान करो। मैं यह कभी नहीं कहता कि तुम बड़े बड़े भंडारे करो, लंगर लगाओ, 500,000 लोगों को खाना खिलवाओ, बल्कि मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ कि यदि तुम किसी एक को भी एक रोटी भी दान करोगी ना, तो वह भी मेरी तरफ तुम्हारी सेवा ही होगी और तुम उस एक रोटी से उस जरूरतमंद की भूख मिटा पाओगी और वह भी अन्न दान ही होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास पुरानी किताबें हैं तो तुम उन्हें गरीब बच्चों को दान कर सकते हो। ऐसा करने से तुम विद्या दान कर सकते हो। और मेरे कुछ बच्चे संतान के सुख के लिए मुझसे काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है कि जल्द ही उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना, बस मेरा नाम जप करते रहना। मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण करूँगा और चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हें निकाल कर दूँगा, क्योंकि तुम्हारी सारी समस्याएं अब मेरी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ ना। और मैं तुम्हें हमेशा ये मार्गदर्शन दूँगा कि तुम किस तरह अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराती रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।